हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज का जो मेरा टॉपिक है, करैक्टरिस्टिक्स क्वेश्चन ऑफ अ गैस। गैस की करैक्टरिस्टिक क्वेश्चन क्या होती है, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक कंसेप्ट हैं, तो आप मेरे जो थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूँ, वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। थर्मोडायनेमिक्स के नाम से भी प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या है करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गैस? क्या है ये जो जनरल गैस इक्वेशन अपन पढ़ी हुई है, उसका ये मॉडिफाई रूप है ना? उसका क्या है, मॉडिफाई रूप है। जैसा कि मैंने इसमें नोट कर दिया, इफ द वॉल्यूम वी इन द जनरल गैस इक्वेशन, जो जनरल गैस इक्वेशन में वी को डिनोटेट किया गया, वी से डिनोटेट किया गया था वॉल्यूम को, इसमें इज टेकन एज दैट ऑफ अ 1 kg ऑफ गैस नॉन एज स्पेसिफिक वॉल्यूम। अपन इसमें किस 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 में किससे डिनोटेट कर रहा है, वी एस से। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम इस तरह। देन द कॉन्स्टेंट सी, जो जनरल गैस इक्वेशन में अपन को सी से डिनोटेट किया था, किसको, कांस्टेंट को, इसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से, है ना, बाय द अनदर कांस्टेंट आर। उसमें सी से किया था, इसमें आर से कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या, जनरल गैस इक्वेशन अपन जानते थे, पी वी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी। अब उसमें भी, उसमें क्या था, अपन ने पढ़ा था पी वी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, या फिर इसको लिखते थे पी वी अपॉन टी इजकल टू सी। ठीक है, अब इसमें ये वाला जो जिस वी एस, इसको वी एस लिख रहा है, इसने वी एस, क्योंकि इसमें अपन मान चुके हैं ये स्पेसिफिक हीट एट वी एस। ठीक है, इसमें वी एस से डिनोटेट कर दिया, पी और टी जैसे तैसे रहेगा। तो अब इसमें जो प्रोपोर्शन हटाते थे जनरल गैस इक्वेशन, तो उसकी जगह इसमें क्या आता था, सी आता था। लेकिन इसमें क्या अपन ने माना है कि सी की जगह अपन क्या लेंगे, करेक्टर्स गैस क्या लेंगे, आर। तो उस सी की जगह क्या कर दिया, आर, प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया, तो वी वी एस इजकल टू आर टी। आर क्या है, करेक्टरिस्टिक्स गैस कॉन्स्टेंट। ठीक है, सी की जगह क्या लिया, आर। अब फॉर एनी, माना फॉर एनी मास एम के जी ऑफ अ गैस, देन करेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन क्या हो जाएगी। अगर किसी गैस का अपन ने एम के जी ऑफ, एम के जी मान लिया गैस है, तो क्या हो जाएगा, एम पी वी एस इजकल टू एम आर टी। ठीक है, दोनों तो एम हो जाएगा, क्योंकि एम गैस, एम मास मान लिया, तो क्या है ना, तो फिर इसको अब जी क्या होता है, जो एम इंटू वी एस, जो स्पेसिफिक हीट और उसका वो गैस का मास, इज कल टू किसके बराबर होता है, वॉल्यूम के, इसके बराबर होता है वी के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों की जगह अपन वी रख सकते हैं और पी अलग रहेगा, तो क्या हो जाएगा, पी वी इज कल टू एम आर टी, है ना, क्योंकि इसके जगह अपन क्या लिख सकते हैं, वी, वी क्या होता है, वॉल्यूम, तो पी वी इज कल टू एम आर टी होता है ना, ये याद रखें, ये होता है मास और ये स्पेसिफिक वॉल्यूम, इज कल टू क्या हो जाएगा, वॉल टोटल वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, पी वी इजकल टू एम आर टी। तो ये होती है करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ गैस, है ना, याद रखें, मॉडिफाई रूप है जनरल गैस इक्वेशन का। कैसे निकाली मैं बता चुका हूँ आपको, है ना, बहुत ईजी है, सिर्फ मॉडिफाई कर दिया और जो अपनी वैल्यू है उनको पुट कर दिया। ठीक है, इसी इक्वेशन से याद रखें, सिर्फ वी एस वही वाली इक्वेशन है, उसको मॉडिफाई रूप होता है। ठीक है, तो आर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल पर किलोग्राम केल्विन। ऐसा यूनिट्स देखें तो आर एटॉमिक एयर के लिए 287 जूल किलोग्राम केल्विन, या फिर इसको किलो जूल करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.287 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ गैस, कैसे फाइंड आउट करते, कैसे आते, क्योंकि अपन यूज तो करते हैं इसको, लेकिन अपन को कॉन्सेप्ट पता नहीं रहता है ये कहाँ से बनी हुई, कैसे बनी हुई है। तो ये डेरिवेशन के रूप में मैंने पूरी आपको सिखा दी है, और आप इसको नोट कर लें, नोट्स बना लें, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फ्रेंड्स।